पटना विक्रम विक्रम प्रखंड अंतर्गत मोरियावा गांव में स्थित आरपी कॉलेज के प्रांगण में जिला स्तरीय जनसंवाद का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने डीडीसी के समक्ष विक्रम अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज एलपीसी सहित किसी भी काम में मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रखंड प्रमुख रामेश्वर पासवान ने प्रखंड में मात्र एक पशु चिकित्सालय होने के कारण असुविधा होने का उल्लेख किया। ग्राम पंचायत मोरियावा शिवगढ़ के संजय कुमार ने ग्राम पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण, सड़क का निर्माण आदि की मांग रखा। वहीं किसानों के द्वारा बिजली पोल की समस्या, सिंचाई के लिए नलकूप की समस्या, मनेर रजवाहा लाइन अतिक्रमण एवं नहर उराही करने की मांग रखी गई। उधर उप विकास आयुक्त ने तत्काल सभी संबंधित पदाधिकारियों को मात्र 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया। पशु चिकित्सालय की मांग पर उनके द्वारा ग्राम पंचायत सैदाबाद कनपा और ग्राम पंचायत गोरखरी में दो पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की बात बताई गई। विक्रम पटना से संदीप सिंह की रिपोर्ट। भूस्वामी तो यहाँ पर नहीं बन रहा है सर, जैसे एक बिस्मिल भी अगर जमीन आपका मालिक प्रकाश है तो सीओ साहब भूस्वामी तो रोक दे रहे हैं सर जी। इससे सरकारी अनुदान से किसान वंचित हो रहे हैं सर। और बगल के ब्लॉक में यही नौबतपुर ब्लॉक है, वहाँ पर मालिक प्रकाश का भूस्वामी तो बन रहा है लेकिन विक्रम ब्लॉक में नहीं बन रहा है सर। इसलिए किसानों को अनुदान लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। बिजली विभाग से नहीं आए, एसडीओ साहब आपका काम कीजिए, कार्यपालक अभियंता नोट कर लीजिए, चारों पांचों जगह जहाँ पे बिजली का समस्या है और कैंप का है वहाँ पर कैंप भी करिए। और ना तो उसका कोई मुआवजा मिलता है और ना सही से कोई कार्रवाई होता है वहाँ पे। हम लोग का भेज दीजिए, हम लोग जिला में अभी हम लोगों ने लगभग 500 से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभ दिया है। अगर यहाँ से अनुशंसा के साथ ग्राम सभा से पारित सूची आ जाएगी हम लोग उसको भी लाभान्वित कर देंगे। तो कलेक्ट करवा के सभी का आवेदन कि जो बिजली का अच्छी काटा जाता है कनेक्शन और बिजली का जो अच्छी काटा जाता है किसान का और घर से लेकर माने कटा जाता है वो मनमानी ढंग से कभी 200 रुपया आता है तो कभी 500 रुपया आता है। अच्छा आपका बिजली का जो बिल आता है उसकी बात है। अच्छा बिजली बिल की बात है। बिजली बिल में मनमानी होता है, कोई रोक टोक इसमें नहीं है। इसमें हम कार्यपालक अभियंता बिजली को बोल देते हैं, कैंप लगाते हैं, एक तिथि उनसे बात करके निर्धारित करवा लीजिए, इस पंचायत में कैंप लगवा लीजिए, सबको सूचित कर दीजिए, जिनकी समस्या है वो जाकर वहाँ पे उनके इंजीनियर रहेंगे कैंप में, वहाँ सुनेंगे और उसको समाधान करेंगे, बात करके कलेक्ट करा लीजिए, लगाया हुआ है ना कैंप वहाँ जमा कर लीजिए। और जब 15 दिन बाद इसी स्थल पे जन संवाद करेंगे उसका कंप्लायंस देना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी हम लोग मसौढ़ी में जन संवाद कर रहे थे, जिला से जितने भी समस्या है वहाँ काउंटर लगाया गया, 70 राशन कार्ड के आवेदन आए थे, 70 राशन कार्ड 10 दिन में बनके सभी को प्राप्त भी हो गया। तो इस तरह की कोई समस्या है तो काउंटर में देने तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को निदान। क्षेत्र के लिए हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं और धनरुआ में, नौबतपुर में, बख्तियारपुर में ये बिल्डिंग बन भी रहा है, धनरुआ वाला लगभग खत्म हो गया है। मेरा अनुरोध रहेगा इसमें सीओ साहब देख लीजिए, सरकारी जमीन जहां पे भी उपलब्ध है हमको तुरंत दे दीजिए। 1500 से 1600 स्क्वायर फीट की सरकारी जमीन हेलो उप विकास आयुक्त साहब का जन संवाद कार्यक्रम मनोरियावा पंचायत में आने के लिए पहले तो हार्दिक बधाई। हम लोग को कृषि विभाग से शिकायत यह है सर कि हमारे पंचायत में रोपनी 30-40% हुआ था सर, वो भी करीब करीब क्या होगा 30-40% के आसपास माने रोपनी हुआ है सर, और वह भी सारा माने मुआर हो गया है लोगों का। सर से आग्रह है कि एक बार स्थल निरीक्षण करके हम लोग को सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने का कार्य किया जाए, यही मेरा निवेदन है सर। स्थल निरीक्षण कर लिया जाए मुनियामा गाँव में सर, लेकिन लोग गलत करके भेज देते हैं जिसके वजह से हम लोग को सरकारी अनुदान कुछ नहीं मिल पाता। जिला से ही जिला कृषि पदाधिकारी टीम बना देंगे जी, स्वयं भी आ जाएंगे यहाँ और वो स्थल निरीक्षण कर लेंगे।
जो भी आप लोगों का है वहाँ पर उनके सामने पक्ष रख दीजिएगा, उनको स्थल निरीक्षण में दिखा दीजिएगा और सही होगा तो उसका प्रावधान उचित आप लोगों को दिया जाएगा। जी, नोट कर स्थल निरीक्षण करके ही सर। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मान तो है कि होगा, जो भी समस्या चार पांच को था वो दिए। क्या लगता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे भी है क्या, इस बात से भी अवगत कराया आप लोगों ने? क्या यहाँ दूसरा तरह का अथी था, स्ट्रीट लाइट को लेकर कई समस्या भी आ रहा है, उसका भी अवगत कराया? कुछ नहीं, कुछ नहीं अवगत कराया। सिर्फ क्या अवगत कराया उन्होंने? विकास, विकास माने कैसे हो, जो समस्या है जो नहीं हो रहा है उसके लिए। हॉस्पिटल के लिए भी मांग किया? हॉस्पिटल के लिए मांग किए हैं। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन के बोले कि एकदम निश्चित रूप से होगा। क्या लगता है प्रमुख जी, क्या लग रहा है कि आपने भी जो समस्या का अवगत कराया, क्या लगता है समस्या का समाधान? हम लोग हमारे बेगरा प्रखंड के लिए एक अस्पताल था पशु, उसमें मांग के हैं माननीय डीडी साहब से, उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही आपको काम को पूरा कर लिया जाए। जिला परिषद जी भी है, क्या लगता है जो आपने आरोप लगाया है कुछ पदाधिकारी पे, क्या लगता है कि समस्या का निदान होगा? एकदम बिल्कुल निदान होगा, हम लोग को विकास चाहिए, विकास जरूरी है, काम होगा, डीडी से आश्वासन दिए हैं कि होगा। धन्यवाद। प्रखंड में स्वच्छता गृह को लेकर कई मामले आए हैं, चार पंचायत का मामला आया है कि स्वेच्छा प्रवेशक को न बल्कि दूसरे लोगों को स्वेच्छा प्रवेशक के रूप में बहाली कर दिया गया है, क्या प्रक्रिया सर, क्या नियम है इसमें? ग्रामीण विकास विभाग से जो दिशा निर्देश आया था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए, उसमें स्पष्ट था कि जो स्वच्छता पर्यवेक्षक होगा जी, उसको ग्राम सभा सर्वसम्मति से अनुमोदित करेगी, उसी का चयन किया जाएगा और उसमें चाहे वो स्वच्छाग्रही पूर्व में रहे हों या फिर अन्य भी जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए ग्राम सभा अनुमोदन लेकर उसको करेगा पारित। सुन लीजिए पूरी बात। तो ग्राम सभा जो अपना निर्णय लेके जो स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन करता है उसी को मान्य किया जाता था। परसों 26 तारीख को ग्रामीण विकास विभाग की एक अपडेटेड गाइडलाइन आई है जिसमें ये किया गया है कि अब से आगे से जो भी स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया जाएगा उसमें जो भी स्वच्छाग्रही रहे हैं जिन्होंने पहले कार्य किया गया है उन्हीं का चयन किया जा सकता है। तो अब से जो भी स्वच्छा पर्यवेक्षक का चयन किया जाएगा वह उन्हीं का चयन किया जा सकता है नए गाइडलाइन के माध्यम से जो पूर्व में स्वच्छाग्रही का कार्य किए हैं। पहले यह गाइडलाइन था कि ग्राम सभा सर्वसम्मति से जिसको अनुमोदित करेगा उसको चयन किया जा सकता है। जो भी मामले आए हैं उसमें स्वयं मैंने सुनवाई की है, उसका आदेश भी पारित किया जा रहा है और हर का जांच करके। सर, जिन पे 202 का मुकदमा है, 302 का मुकदमा है, क्या उन्हें भी स्वच्छा पर्यवेक्षक को रखा जा सकता है? स्पेसिफिक केस में आप उसका आवेदन दें, हम लोग जिला से जांच कराएंगे, सही पाया जाएगा तो उसकी कार्रवाई भी कराएंगे। धन्यवाद सर। जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य था जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा जनता को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और उनसे सुझाव प्राप्त करना, अगर इस ग्राम पंचायत में कोई सामाजिक समस्या है या कोई सुझाव विकास के लिए चाहते हैं तो उनसे सुझाव प्राप्त करना। तो सर, समस्या तो बहुत सी निकल गई है, निदान कब? निदान के लिए तो आपको जैसा बताया गया कि 15 दिन के बाद दोबारा यहाँ पे एक जनसंवाद SDO सर के द्वारा होगा और जो समस्याएं निकल के आई हैं सबको लिखा गया है, संबंधित विभाग को ये दिया जा रहा है, उनसे जो रिपोर्ट प्राप्त होगा उनसे हम लोग अवगत कराएंगे इस ग्राम पंचायत। सबसे ज्यादा समस्या किन चीजों का सर यहाँ पे? तो समान रूप से इन लोगों ने कृषि विभाग के लिए नलकूप की समस्या, बिजली विभाग से तो समस्या इन लोगों ने रखा गया है, पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालय की मांग रखी गई है। ये सब जो संबंधित चीजें हैं इससे संबंधित विभाग का जैसे प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम लोग यहाँ की जनता को 15 दिन के बाद अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपना सारा कागज लेके आए हैं जमीन का? जी सर, लेके आए। तो DCLR साहब इसको देख लीजिएगा। हाँ सर, हम लेके आए हैं। हाँ ठीक है, अभी DCLR पालीगंज है यहाँ पे, वो देख लेंगे आप। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है, अभी DCLR साहब है, आप अपना सारा कागज दिखा दीजिएगा, ले आइए, इनको बुला जाइए पीछे। हेलो जी सर, मेरा घर बिसम्भरपुर हुआ, मेरा नाम, मेरे गांव में, मेरे वार्ड में अभी 2 महीना पहले पूरा गली और नली का कार्यक्रम पूरा हो गया है, बन गया है, लेकिन नली जहां गिराना था वहां लास्टली काम नहीं हुआ है, वो नली अब रोड पे ही गिर रहा है। ये जो पैसा नली और गली में जितना खर्च हुआ है इसका कोई यूज, कोई फायदा वाला काम नहीं हुआ है, इससे अच्छा रहता ये काम ही नहीं होता और ऐसे ही नली रोड पे गिरते रहता, लास्टली जहां गिराना था वहां वो नहीं गिर पाया, ठीक है, वहां पे अतिक्रमण कर दिया गया है जहां पे सालों से नली मेरे दादा के टाइम से गिर, नंबर 4 हुआ ना, वार्ड नंबर 12 है सर, दतियाना पंचायत सर, ठीक है। हेलो,
और एक समस्या सर और है कि मेरे पंचायत महिला लोग को समस्या है कि यहाँ पर इंदिरा आवास का बहुत दिक्कत है सर, बहुत गरीबी है, बड़की बिलियारी मुरियावा में। ठीक, सुनिए सुनिए, इसमें हम बता देते हैं जनरल आप लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची बनी थी उसमें सुन लीजिए आप लोग, नाम ऐड अभी नहीं हो सकता है, वो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इसके साथ भूमि संबंधित और अन्य कागज के साथ प्रखंड कार्यालय में जमा करा मांग लेंगे, उतना टारगेट हम राज्य सरकार से मांग लेंगे, 1,20,000 रुपए उस योजना पंचायत जी जी बढ़िया पंचायत सर्वे करा लीजिए गाँव से। ठीक ठीक सुन लीजिए, ग्राम से।